नमस्ते, इंडियन कुकिंग रेसिपी में आप सबका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं भिंडी की सब्ज़ी। आज मैं जिस तरीके से आपको भिंडी की सब्ज़ी बनाना बताने जा रही हूँ, ये बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बनती है। तो शुरू करते हैं भिंडी की सब्ज़ी बनाना। भिंडी की सब्ज़ी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 250 ग्राम भिंडी ली है। इसको मैंने अच्छे से धोकर फिर पोंछकर बारीक काट लिया है। यहाँ पर मैंने 2 हरी मिर्च ली है, 4 छोटे चम्मच मैंने धनिया पाउडर लिया है, नमक लिया है मैंने स्वादानुसार, आधा छोटा चम्मच मैंने हल्दी पाउडर ली है और आधा छोटा चम्मच मैंने जीरा लिया है। तो शुरू करते हैं भिंडी की सब्ज़ी बनाना। भिंडी की सब्ज़ी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने गैस के ऊपर एक कढ़ाई रख दी है। कढ़ाई में थोड़ा मैंने तेल ले लिया है, लगभग ये 1 टेबल स्पून तेल है। अब हमारा तेल भी गर्म हो चुका है, गैस हमारा ऑन है। अब हम इसमें जो मैंने आधा छोटा चम्मच जीरा लिया था, इसको हम इसमें तड़काएँगे। जीरा तड़कने के बाद हम इसमें मिलाएंगे कटी हुई हरी मिर्च, ये कम स्पाइसी है। अगर आपको स्पाइसी पसंद है तो आप हरी मिर्च को ज़्यादा भी ले सकते हैं। इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें मिलाएंगे हमारे भिंडी की सब्ज़ी का मेन इंग्रेडिएंट्स जो है धनिया पाउडर। धनिया पाउडर से ही हमारी जो भिंडी है वो टेस्टी बनाएगी। धनिया पाउडर ही हमारी भिंडी के सब्ज़ी का स्वाद बढ़ाएगा। ये लगभग मैंने 4 छोटे चम्मच लिया है धनिया पाउडर। अब हम इसमें मिलाएंगे हल्दी पाउडर, ये मैंने आधा छोटा चम्मच ली है। अगर आप लाल मिर्च खाना पसंद करते हैं तो हरी मिर्च की जगह पे आप लाल मिर्च भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसमें मिलाएंगे भिंडी। हमें ये भिंडी थोड़ी सी क्रिस्पी बनानी है, इसलिए मैंने इसको बारीक काट लिया है। आपको भी जब आप भिंडी बनाएंगे तब आप जितना आप बारीक हो सके उतना भिंडी को बारीक काट लेना है। और एक ध्यान देना है, जब भी हम भिंडी काटते हैं तो पहले उसको धोने के बाद अच्छे से पोंछ लेना है, उसमें पानी बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। अगर भिंडी में पानी रह गया तो हमारी जो भिंडी है वो चिपचिपी बनती है, इसलिए इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं रहना चाहिए। अब हमारी मसालों के साथ भिंडी जो है वो अच्छे से मिक्स हो चुकी है। अब हम इसमें मिलाएंगे नमक। नमक हम इसमें स्वादानुसार मिलाएंगे। अब हम इसे कम से कम 2 से 3 मिनट के लिए पका लेंगे। इसको हम ढक्कन रख के नहीं पकाएंगे, नहीं तो हमारी जो भिंडी है वो क्रिस्पी नहीं बनेगी, चिपचिपी बनेगी। 2 मिनट के बाद हम हमारी भिंडी को चेक करेंगे। अब हमारी ये जो भिंडी की सब्ज़ी है वो बनके रेडी है। बनने के बाद मैंने इसको एक प्लेट में निकाल लिया है। प्लीज़ आप मेरी ये रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।